अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनिरुद्ध महाराज जी जो हैं आजकल काफ़ी वायरल हैं और उनकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा फनी होती हैं, मगर वो दिल के अच्छे इंसान हैं, कभी भी किसी धर्म के लिए फालतू बात नहीं करते। भले वो साइंस को मजाक में कह दें या फिर साइंस के खिलाफ बोल दें या ऐसी चीज़ें बोल दें जो साइंस और दुनिया के बिल्कुल ही ज़्यादा खिलाफ हैं, आपको हंसी आ जाएगी। तो हम उनकी कुछ चुनिंदा क्लिप लेके आए हैं, एक वीडियो लेके आए हैं, उस पर हम रिएक्शन देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो जरूर देखें और दूसरों तक शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ एक दो बार। और एक दो बार मना कर दो, बाकी तीन बार बोला तो? नहीं पीता हूँ तभी भी। चौथी बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और दसवीं बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? गुरुजी बोल रहे हैं एक बार पीकर तो देख, क्यों नहीं पी रहा? क्या हो गया तुम्हें? बेचारे गुरुजी की स्क्रिप्ट खराब हो रही थी यहाँ पे भाई, फोर्स कर रहे थे उसको। क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के स्टूडियो में कुछ खास है, मतलब यू नो व्हाट, एक गुरुजी कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, जो कि पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए मीम बन के, मतलब उनके अनोखे ज्ञान की वजह से, उनकी बिना लॉजिक वाली बातों की वजह से, जिससे भाई क्या क्या मीम्स बनते हैं यार इनके ऊपर। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? बताओ फिर, 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? ये उत्तर तो हमने छठवीं सातवीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? फास्ट माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा? है? क्या बोला? 70 भाई लिटरली लोग तालियां बजा रहे हैं। भाई लॉजिक गया तेल देने। इनका तो क्या है कि भाई माइक पे आके कुछ भी बोल दो, पर शर्म तो हमें आनी है ना वो कमेंट्स और ट्रोलिंग देख के। भगवान खुद शर्मिंदा हो गए ये देख के तो। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। इस लड़के ने बोला इनको सीरियसली ले लिया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मतलब मेरे चरणों में आपको कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है। बच्चा भी लाइक बाबा होगा अपने घर का। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। और कुछ नहीं, बस बच्चा स्क्रिप्ट भूल गया था गुरुजी, या तो उल्टी पढ़ ली, शायद रट्टा मारा था तो भूल गया। तोबा। हाँ बेटा, आई लव यू गुरुजी। जरा तो शर्म कर दो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। भाई नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्या मजबूरी थी बहन तेरी? आई थिंक इस लड़की को डेयर मिला होगा गुरुजी को प्रपोज करने का। क्या बोला तूने? मुझे भी मिला हुआ है ऐसा डेयर, और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ उस बात को, मतलब गुरुजी को नहीं बट ऐसे ही प्रपोज करने का। सभी किस लाइन में आ गए आप? और गुरुजी ने बोला भगवान आपको सद्बुद्धि दे। वैसे इस लड़की ने प्राइवेट में आके बोला होता तो गुरुजी शायद मान भी जाते। क्यों नहीं? और ये लड़की भाई, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार? बस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना हमारे में। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। फेसबुक पे पहले आपको एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। भाई देखो, जो भी बोलो बट गुरुजी एक सिग्मा मेल तो है, वो तो देख लिया मैंने। हाँ वो बात अलग है कि कभी कभी क्यूट बनने के चक्कर में पोकी बन जाते हैं। तारे जमीन पर। भाई लिटरली गुरुजी ने मुंह पे रिजेक्ट मारा है इसको। बिचारी सद्दच के आई थी कथा में गुरुजी को पटाने के लिए, मुंह पे रिजेक्ट हो गई बिचारी। आई थिंक इसके बाद फिर से नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया होगा इन्होंने। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता कुछ काम धंधा करने में, मेरा एकदम मन नहीं लगेगा, लगेगा दिन भर देखू। भाई ऐसा क्या देख रहे हो? अच्छा है। गुरुजी सेड अच्छा है। भाई देखो कुछ गलत मत समझना, वो एक्चुअली गुरुजी को देखने की बात कर रही थी, गुरुजी का नहीं। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छे घटिया सोच। और कुछ नहीं, बस वो गुरुजी को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। बस पूरे दिन देखने का मन करता है आंटी जी को, मतलब गुरुजी को देखने का। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहा और को में फर्क होता है भाई, कोई जाके समझाओ इनको, इन्होंने तो 19-20 का फर्क समझ के बोल दिया। 19-20 का फर्क है? 19-20 का फर्क। पूरा सेंटेंस डार्क कर दिया एक वर्ड ने तो। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो। अरे लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। से बात करती है लड़के पे? कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता।
शीतल कौन सी कक्षा में हो? दसवीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाय कैसी मम्मी है यार, अपनी लड़की की सामुदायिक बेइज्जती करवानी, वो भी माइक पकड़वा के। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। घर की बात घर में रखो ना, गुरुजी को बता के क्या ही हो जाना था वैसे भी। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। मन नहीं है शादी करने का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? क्या ही आइटम्स आते हैं यार गुरुजी की कथा में। अब्बा नहीं मानेंगे। ब्रो लिटरली सेड आप पसंद हो? आप पसंद हो? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और अब नहीं करूंगा, नहीं अब तेरी शादी होगी नहीं भाई। गुरुजी कहेंगे कि कथा खत्म होने के बाद मिलते हैं हवेली पे। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है जी। अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। जिंदगी में एक ही नियम रखें, हमेशा सीधा बोलें, सच बोलें और मुंह पर बोलें। बहुत गहरी बात बोल दी भाई तूने। और पूछने वाला भी क्या ही कैरेक्टर है। गुरुजी जी मिले, ये तो आउट ऑफ सिलेबस का आंसर आ गया। किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट। तो इनका लॉजिक ये है कि जिन भी चीजों के नाम में विष आता है ना, वो सब जहर है। ये कौन सा लॉजिक है बे? ऐसे तो फिर हमें विष भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली तो हम जहर ही मांग रहे हैं ना। क्या बात कर? और फिर बिस्लरी का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके नाम में जो विष है वही तो सबकी जान ले रहा है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इतना भी सच क्यों बोल रहे हो गुरुजी? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इनकी बातों में लॉजिक नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। आपका नाम बताओ, कितने अक्षर हैं आपके नाम में? तीन। तीन को चार से गुणा करो कितना होगा? तीन चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो 34 में 8 का भाग दो। 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। अरे भर इतना सब कुछ गिनने की जरूरत ही क्या थी? 3 ही तो अक्षर का नाम था उसका। 3-1 कर दे तो भी मिल जाता 2 अक्षर का प्यारा नाम राम। प्रैंक हो गया आपके साथ। तो ये थी वीडियो गुरुजी की, आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। बहुत फनी और बहुत मजाकिया वीडियो थी। और गुरुजी की सारी क्लिप जो इंटरनेट पर वायरल है वो ऐसी ही है, इसी वजह से गुरुजी बहुत वायरल है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर।